गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अभी हम पार्ट 10 के, हमने पहले इससे पहले जो वीडियो बनाई थी उसमें हमने पार्ट 10 के जो कविता है लल दद्दी की वाक, उसे हमने पढ़ा था, उसका भावार्थ हमने पढ़ा था, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और आज हम इसके प्रश्नोत्तर करेंगे। तो प्रश्नोत्तर करने से पहले हम इसके एक बार मुख्य बिंदु वापस से दोहरा लेते हैं, जैसे कि हर जो भी वाक है चारों, उनका एक एक बार हम जो उसका भावार्थ है, उसके जो मुख्य वो है, वो हम एक बार देख लेते हैं। तो इसमें जो पहला वाक है उसमें कवित्री कह रही है कि उनकी जो सांसें हैं वो कमजोर हैं और इन सांसों के सहारे वो इस संसार रूपी सागर में अपने जीवन को आगे बढ़ा रही हैं और ईश्वर को प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वो इस सांसारिक माया मोह में भी फंस जाती हैं बार बार। जब वो ईश्वर की भक्ति करती हैं और उनको प्राप्त करना चाहती हैं, तो बीच बीच में वो, क्योंकि इस सांसारिक माया मोह से पूरी तरह से मुक्त नहीं हो पाई हैं, इसलिए भी क्या है कि उनका ध्यान भटक जाता है और वो ईश्वर को प्राप्त करने में पूरी तरह से सफल नहीं हो पा रही हैं और उनके जो भी प्रयास हैं ईश्वर को प्राप्त करने के, वो व्यर्थ हो रहे हैं। तो इसलिए वो कह रही हैं कि मैंने जीवन में कितने प्रयास किए, लेकिन कच्चे सकोरे में जिस तरह से पानी नहीं रुकता है, उसी प्रकार से मेरे जीवन में भी जब मैं जितने भी प्रयास कर रही हूँ वो व्यर्थ हो रहे हैं। दूसरे बात में क्या है कि खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, ना खा कर बनेगा अहंकारी। यानी कि इसमें जो लेखिका है वो कह रही है कि जब मनुष्य सांसारिक माया मोह में पड़ जाता है, सांसारिक सुख सुविधाओं को भोगने लगता है, इस भोग विलास में पड़ जाता है, तो जब वो उस भोग विलास में पूरी तरह से लिप्त हो जाता है तो उसे ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती है, क्योंकि वो भोग विलास में ही लिप्त रहता है, सुख के संसाधनों को इकट्ठा करने के में ही लगा रहता है, अपना जीवन ऐसे ही निकाल देता है, लेकिन उसकी भूख मिटती नहीं है और वो ईश्वर को प्राप्त भी नहीं कर पाता, क्योंकि ईश्वर को उसने याद ही नहीं किया है ना, सुख साधनों को ही समेटने में लगा रहा। दूसरा, और न खाकर मीन्स कि अगर वो सांसारिक माया मोह से बिल्कुल दूर हो जाए, अलग हो जाए, तो वो किसके समान होगा, एक साधु संन्यासी के समान, जिसने कि अपनी इंद्रियों पर काबू कर लिया है। और वो इंद्रियों पर काबू करने वाला जो भी होता है उसके अंदर अहंकार आ जाता है कि उसने सबको सब कुछ अपने वश में कर लिया है, अब वो मतलब एक तरह से ईश्वर के समान हो गया है, इसलिए वो अहंकारी हो जाता है। अहंकारी जब हो जाता है, जिसके मन में अहंकार का वास होता है, तो उसे भी ईश्वर प्राप्त नहीं होता है। अर्थात कवित्री कहती है कि हमें समभाव रूप लेकर चलना चाहिए, यानी कि सांसारिक माया मोह के साथ साथ, सांसारिक भोगों के साथ साथ, हमें अपने जो ईश्वर की प्राप्त करने के जो भी भक्ति है, जो भी साधना हमें करनी है, वो हमें बराबर रूप से करनी है, ना ही हमारे अंदर अहंकार लाना है, ना ही हमें पूरी तरह से भोग विलास में लिप्त रहना है, समान रूप से लेकर चलेंगे तो भी हमें ईश्वर की प्राप्ति होगी। फिर तीसरे में है कि कवित्री कहती है कि मैं इस संसार में बिल्कुल सीधी राह से आने से मतलब है कि वो बिल्कुल भोली भाली थी, उनके अंदर कोई छल कपट, किसी तरह का भेदभाव, राग द्वेष कुछ भी नहीं था, बुराई नहीं थी उनके अंदर। लेकिन जब वो इस सांसारिक जीवन में जैसे जैसे आगे बढ़ने लगी और सांसारिक माया मोह में पड़ने लगी, तो उनके अंदर ये सारी चीजें आती गई, तो वो इस संसार में सीधी राह पर नहीं चल पाई। और फिर लास्ट में जब उन्होंने ईश्वर को प्राप्त करने के लिए हठ योग साधना का सहारा लिया, यानी कि सुषमा सेतु पर खड़ी थी, अर्थात उन्होंने हठ योग साधना का सहारा लिया ईश्वर को प्राप्त करने के लिए, अर्थात उन्होंने अपनी सुषुम्ना नाड़ी को वश में करने का प्रयास किया। सुषुम्ना नाड़ी कहाँ होती है, हमारी नाक से ऊपर दोनों आंखों के बीच में मध्य में यहाँ पर होती है, तो इसको पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि एक तरह से जब ये एक बिंदु है, हमारा पूरा ध्यान जब एक बिंदु पर केंद्रित हो जाता है और हम सारी चीजों को भूलकर सिर्फ उसी बिंदु पर ध्यान रखते हैं, मेडिटेशन करते हैं जिस तरह से हम लोग, वो तो बिंदु में ईश्वर की जब हम पूरी तरह, लेकिन क्या है कि ईश्वर को बहुत ही कम मनुष्य, बहुत ही कम होते हैं जो कि इस तरह से कर पाते हैं, क्योंकि जैसे ही वो ध्यान में बैठते हैं, योग साधना में बैठते हैं, उनका ध्यान कहीं ना कहीं किसी ना किसी सांसारिक माया मोह, अपने संबंधों में कहीं ना कहीं फंस जाता है। वो जैसे ही ध्यान योग में बैठता है, उसके जो भी मन के विचार हैं वो दिमाग में आने लगते हैं और उसका जो ध्यान है वो टूटने लगता है। तो इसलिए कहती है सुषम सेतु पर खड़ी थी, यानी कि मैं हठ योग साधना का सहारा लेने लगी ईश्वर को प्राप्त करने के लिए, लेकिन उसमें भी मैं
मैं पूरा जीवन अपना मैंने बिता दिया, आधा जीवन तो मैंने मोह माया लोभ और लालच में बिता दिया और आधा जीवन मैंने ईश्वर को प्राप्त करने के लिए हट योग साधना में बिता दिया, तो मैंने जीवन में कोई भी अच्छा कार्य नहीं किया, कोई भी सत्कार्य नहीं किए। और जब इस संसार रूपी सागर से ईश्वर ने मुझे पार लगाया और जब मैं ईश्वर के समक्ष पर खड़ी हुई, एक माझी के रूप में ईश्वर मेरे सामने थे या जिन्होंने कि मुझे इस संसार रूपी सागर से पार लगाया था, अब मैंने देखा, मेरे मन को टटोला कि मैंने जीवन में कौन सा ऐसा कार्य किया है जो कि दक्षिणा के रूप में मैं अपने गुरु को दे सकूं। लेकिन मैंने अपने जीवन में ऐसा कोई भी कार्य नहीं किया था कि जो मैं उतराई, यानी कि संसार सागर से पार लगाने की जो है एवज में दक्षिणा जो भी है वो मैं देना ईश्वर को दूं, ऐसा कोई भी सत्कार्य, कोई भी अच्छा कार्य मैंने अपने जीवन में नहीं किया था। चौथे बात में जो लेखिकाएं वो कहती हैं कि ईश्वर का हर जगह निवास है, थल थल में बसता है शिव, यानी कि पृथ्वी के कण कण में भगवान का निवास है। भेद ना कर क्या हिंदू मुसलमान की, हमें जब हर जगह ईश्वर का निवास है तो हमें हिंदू और मुसलमान के में धर्मगत जातिगत भेदभाव नहीं करना चाहिए। हमें सांप्रदायिकता को भुलाकर एकजुट होकर रहना चाहिए, एक ईश्वर की उपासना करनी चाहिए। अब लेखिका कहती है, ज्ञानी हो तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। साहिब यहाँ ईश्वर के लिए ही प्रयुक्त हुआ है कि कहती है कि अगर मनुष्य तुम सच्चे ज्ञानी हो तो स्वयं को पहचानो, अर्थात अपने अंदर झांक के देखो, अपनी अंदर आत्मा को लटोलो और उसमें जो भी बुराइयां हैं उनको बाहर कर और उनमें अच्छाइयों का समावेश करो। जब आप में अच्छाइयां होंगी तो ईश्वर का निवास आपके अंदर होगा, यानी कि अच्छी अच्छाइयां जिसके अंदर है ईश्वर का निवास उसके अंदर होता है। तो इसीलिए वही है साहिब से पहचान कि इसीलिए क्या है, तभी हम अपने आप, जब हम अपने आप को जान पाएंगे तभी हम ईश्वर को भी जान पाएंगे। अब देखिए ये हो गया हमारा चारों भावार्थ। आप लोगों को मतलब भावार्थ भी कॉपी में करने हैं, जैसे 8 में आप क्या करते थे कि लेखक परिचय या कवि परिचय जो भी होता था वो पहले करते थे, फिर आप बाद में प्रश्नोत्तर करने लगते थे, शब्दार्थ करते थे। लेकिन हाँ, यहाँ पे आप पहले कवि परिचय या लेखक परिचय वो करेंगे और फिर गद्य है तो आप उसके शब्दार्थ और प्रश्नोत्तर करेंगे, और अगर काव्य है तो आप उसके भावार्थ करेंगे और फिर उसके बाद में उसके प्रश्नोत्तर करेंगे। तो आपको कबीर का भी इसी तरह से करना है और अभी ये जो चैप्टर है, ये जो अपना ललदंद, इसके भी भावार्थ करने हैं और कबीर के भी भावार्थ करने हैं। तो भावार्थ आप आगे देखिए, प्रश्नोत्तर करते हैं हम। तो प्रश्नोत्तर में देखिए आप कि लेखिका इसमें पहला क्वेश्चन है इसमें कि रस्सी यहाँ किसके लिए प्रयुक्त हुआ है और वह कैसी है। ठीक है, तो रस्सी यहाँ पर मनुष्य की सांसों के लिए प्रयुक्त हुआ है और वो कैसी है, वो कच्ची है, नाशवान है ना, कैसी है, कच्ची और नाशवान है, कभी भी टूट सकती है। तो यहाँ पे कवि के रस्सी यहाँ पर मनुष्य की सांसों के लिए प्रयुक्त हुआ है और वो कच्ची है तथा नाशवान है, अर्थात वो कभी भी टूट सकती है। ये कहा नहीं जा सकता वो कब टूट जाए, ये नहीं कहा जा सकता। ठीक है, भक्ति रूपी रस्सी के सहारे कवित्री ईश्वर तक पहुंचना चाहती है लेकिन ये माध्यम अभी कमजोर होने से उसे असफलता मिल रही है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन है, कवित्री द्वारा मुक्ति के लिए किए जाने वाले प्रयास व्यर्थ क्यों हो रहे हैं। अब देखिए कवित्री क्या है, सांसारिकता तथा मोह के बंधनों में बंध चुकी है। अब वो ऐसे में प्रभु भक्ति जब करती है तो उनका मन पूरी तरह से प्रभु भक्ति में नहीं लगता है, मन भटकता जाता है। जैसे ही वो ईश्वर को प्राप्त करने के लिए पूरी तरह से प्रभु भक्ति में लीन होती है तो उनका मन सांसारिक माया मोह में भटक जाता है और जैसे ही ध्यान भटकता है वैसे ही उनकी भक्ति बीच में टूटने लगती है और ईश्वर की उन्हें प्राप्ति नहीं होती। और जिस तरह से कच्चे सकोरे से पानी टपकता रहता है, बचता रुकता नहीं है, उसी तरह से कवित्री के प्रयास भी विफल हो जाते हैं। फिर है, कवित्री का घर जाने की चाह से क्या तात्पर्य है। कवित्री का घर जाने की चाह से तात्पर्य है प्रभु से मिलना, अर्थात परमात्मा से मिलना चाहती है वो, या फिर मोक्ष पाने की इच्छा रखती है। लेकिन क्या होता है,
कि कवित्री इस भव सागर को पार करके अपने परमात्मा की शरण में जाना चाहती हैं, अर्थात आत्मा परमात्मा से मिलना चाहती है, वह सांसारिक माया मोह में भटकना नहीं चाहती। तो कवित्री का घर जाने की चाह से क्या तात्पर्य है कि कवित्री का घर जाने की चाह से तात्पर्य है प्रभु से मिलना, अर्थात इस संसार से मोक्ष प्राप्त करना। अर्थात कवित्री प्रभु भक्ति में लीन होकर आत्मा को परमात्मा से मिलन का रास्ता खोज रही हैं और वो उनसे मिलना चाहती हैं, वो इस सांसारिक माया मोह में भटकना नहीं चाहती हैं। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है फोर्थ, जो है देखिए, भाव स्पष्ट कीजिए जेब टटोली कोड़ी ना पाई। अब कवित्री को अनुभव होता है जब वो इस संसारिक संसार से पार जाती हैं, अर्थात ईश्वर के पास जब जाती हैं, तो उनको अनुभव होता है कि जीवन भर उन्होंने हठ योग साधना करा कि या फिर उन्होंने इस संसारिक माया मोह में ही बंधी रही, इसलिए उन्होंने कोई भी उपलब्धि प्राप्त नहीं की। अब जब सामने ईश्वर हैं, तो अब वो देखती हैं कि उन्होंने जीवन में कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया जो कि वो ईश्वर के सामने रख सके, ईश्वर को बता सके। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, ना खा कर बनेगा अहंकारी। अब इसमें वही वाला आ जाएगा भावार्थ कि अगर मनुष्य पूरी तरह से इस सांसारिक माया मोह बंधनों में लिप्त रहेगा तो भी वो ईश्वर को प्राप्त नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो ईश्वर का नाम ही नहीं ले रहा है तो वो ईश्वर को प्राप्त नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो ईश्वर को भुला रहा है। और अगर वो इन सब माया मोह को छोड़कर और सिर्फ साधना करके ईश्वर भक्ति में पूरी तरह से लीन हो जाता है तो क्या है, वो अहंकारी हो जाता है, क्योंकि वो इंद्रियों को वश में कर लेता है, ना वो संसार में अच्छी चीजों को देखता है, ना प्राप्त करने का प्रयास करता है, उसे सब तुच्छ लगता है ना, और ना उसके स्वाद की कोई वो है कि मुझे ये खाना है या वो खाना है, मुझे ये चाहिए, मुझे गाड़ी बंगला घर चाहिए, ये सब चीजें चाहिए, ये एक साधु संन्यासी व्यक्ति को नहीं चाहिए होता है। तो अगर वो अपनी इंद्रियों को वश में कर लेता है और इस सांसारिक माया मोह से विरक्त हो जाता है तो वो क्या है, उसके अंदर अहंकार आ जाता है, अर्थात वो अपने आप को ईश्वर के समान समझने लगता है। तो ऐसे में कवित्री कहती हैं, और अहंकार जब मनुष्य के अंदर आ जाता है तो ईश्वर का निवास उसके अंदर नहीं होता, अर्थात ईश्वर उसे प्राप्त नहीं होते। तो इसलिए कवित्री कहती हैं कि सांसारिक माया मोह को किसको कम करके, मतलब थोड़ा संसार के साथ भी चलो, साथ में ईश्वर को प्राप्त करने के लिए जो भी आप साधना करते हैं वो भी करो, दोनों को समान रूप से करते हुए चलोगे तो आपको ईश्वर की प्राप्ति अवश्य होगी। लेकिन अगर आप पूरी तरह से मोह माया में लिप्त हो जाओगे, ईश्वर को भूल जाओगे, तो ईश्वर प्राप्त नहीं होंगे। और आप सब कुछ भूलकर, मोह माया सब कुछ भुलाकर और इंद्रियों को वश कर अगर आप ईश्वर साधना में लगते हो तो आपके अंदर अहंकार आ जाता है, और अहंकारी व्यक्ति को कभी भी ईश्वर प्राप्त नहीं होता। तो इसलिए समखा बनेगा संभव, यानी कि अगर आप समान रूप से दोनों चीजों को साथ लेके चलोगे तो तुम्हें ईश्वर की प्राप्ति अवश्य होगी। अब आपका देखिए फिफ्थ क्वेश्चन है कि बंद द्वार की सांकल खोलने के लिए ललदद्दी ने क्या उपाय सुझाया है। तो यहाँ बंद द्वार की सांकल खोलने के लिए ललदद्दी ने यह उपाय सुझाया है कि भोग विलास और त्याग के बीच संतुलन बनाए रखते हुए, त्याग कौन करता है, जो साधु तो सब कुछ छोड़कर सिर्फ ईश्वर भक्ति में लीन हो जाता है वो त्याग करता है ना। तो यहाँ पर कहा है कि भोग विलास और त्याग के बीच संतुलन बनाए रखते हुए मनुष्य को सांसारिक नियमों में ना तो अधिक लिप्त और ना ही उनसे विरक्त होना चाहिए, विरक्त यानी कि उनसे दूर भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। अज्ञान ही बंद द्वार की सांकल है, अतः हमें इन दोनों को बराबर लेते हुए, साथ लेते हुए आगे बढ़ना चाहिए, तभी हमारे मन की जो है वो साकल, यानी हमारा जो मन है जो अभी पूरी तरह से बंद है, वो खुल जाएगा, ठीक है। कि बंद द्वार की साकल खोलने के लिए यही ललित दद्दी ने उपाय सुझाया है। अब आपका सिक्स क्वेश्चन है कि ईश्वर की प्राप्ति के लिए बहुत से साधक हठ योग जैसी कठिन साधना भी करते हैं लेकिन उससे लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती, ये भाव किन पंक्तियों में व्यक्त हुआ है। तो ये भाव हुआ है
आई सीधी राह से गई ना सीधी राह, पूरी जो चारों लाइन है इसकी, माँ जी को दूं क्या उतराई, ये पूरा पैराग्राफ इस क्वेश्चन में, पूरी चारों पंक्तियां इस क्वेश्चन में के आंसर में आएंगी, क्वेश्चन सिक्स में, ठीक है। अब है प्रश्न सात, ज्ञानी से कवित्री का क्या आशय है। ज्ञानी से कवित्री का अभिप्राय है जिसे ईश्वर का ज्ञान हो, ठीक, किससे है कि जिसे ईश्वर का ज्ञान हो, है ना। तो यहां पे हाँ देखिए कि ज्ञानी से कवित्री का अभिप्राय है जिसने, जिसे ईश्वर का ज्ञान हो और जिसने आत्मा और परमात्मा के संबंध को जान लिया हो, ठीक है। कवित्री के अनुसार ईश्वर का निवास तो हर एक कण कण में है, परंतु मनुष्य इसे धर्म में विभाजित कर मंदिर और मस्जिद में खोजता फिरता है। वास्तव में ज्ञानी तो वही है जो अपने अंतःकरण में ईश्वर को पा लेता है, यानी कि वही जो मैंने आपको पैराग्राफ में बताया था कि अंतःकरण में मीन्स अपनी अंतरात्मा में झांक कर अपने अंदर बुराइयों को निकालकर अच्छाइयों को लाता है, तो उसे अपने अंदर ईश्वर का निवास दिखाई देता है। तो इसका आंसर है कि ज्ञानी से कवित्री का क्या अभिप्राय है, तो ज्ञानी से कवित्री का अभिप्राय है जिसने परमात्मा को जान लिया हो, या फिर जिसे, जिसने आत्मा और परमात्मा के संबंध को जान लिया हो। कवित्री के अनुसार ईश्वर का निवास तो हर कण कण में है, फिर मंदिर मस्जिद में भेदभाव करके मनुष्य उन मंदिरों मस्जिद में ईश्वर को क्यों खोजता फिरता है। वास्तव में ज्ञानी तो वही है जो अपनी अंतर आत्मा के अंदर ईश्वर को खोजता है, ठीक है। तो ये आपके प्रश्नोत्तर हो गए, सात क्वेश्चन है, सात प्रश्न है, आपको सातों प्रश्न करने हैं, और ये चैप्टर आप लोग पढ़ लेंगे, और जो भी डाउट होगा अभी इसके बाद हमारी एक ऑनलाइन क्लास होगी, तो उसमें हम पहले चैप्टर जो सेकंड है ल्हासा की ओर उसका हम करेंगे, उसका मतलब उसके, उसको आप लोग पढ़ के रखना, और जो भी डाउट है वो आप उस क्लास में आप जरूर पूछेंगे, और क्वेश्चन आंसर्स आप बराबर से करते जाएंगे कॉपी में, जो भी आपको डाउट है जो भी है वो ऑनलाइन क्लास में आप पूछ लेंगे। थैंक यू।